क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स के सिलसिले में हम अब थर्ड जो सिक्योरिटी थ्रेड और उसे ऑनवर्ड हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, ये है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? द पर्पस इज टू ओवरलोड द आईटी रिसोर्सेज टू द स्टेज वेयर दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। यानी कि जो आईटी रिसोर्सेज हैं उसमें जो सर्वर्स हैं, जो वर्चुअल मशीन हैं, हम क्लाउड की अगर एनवायरमेंट की बात करें, जो सर्वर्स हैं, जो वर्चुअल मशीन हैं या जो नेटवर्क है, हम उसको इतना ओवरलोड कर दें कि वो प्रॉपरली वर्क ना कर सकें, तो ये कहा जाएगा कि ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। यानी कि जो नई सर्विसेज, नए जो यूजर्स हैं, वो जो क्लाउड सर्विसेज हैं उसे कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि सर्विस पे ही इतना लोड होगा, इतना ज़्यादा लोड हो सकता है, हो जाए कि वो जो नए यूज़र आ रहे हैं उनको जो है वो जो उसको वो प्रोवीजन ना कर सके, उनको रिस्पॉन्स ना दे सके। ये मैं जस्ट एक एन एग्जाम्पल आपके सामने ये सिनारियो डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैन बी लॉन्च्ड इन द फॉलोइंग। अब ये कुछ तरीके हैं इसके कि जिससे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है खसूसी तौर पे क्लाउड एनवायरनमेंट में, वो क्या है? सबसे पहले है कि वर्कलोड ऑन अ क्लाउड सर्विस इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड थ्रू फेक मैसेजेस और रिपीटेड कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। जो वर्कलोड जा रहा है, मसलन एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का इंस्टेंस है जो कि किसी यूजर का जो जो रिक्वेस्ट है या नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको वो प्रोसेस कर रहा है, तो एक यूजर बार बार, एक मेलिशियस यूजर एक बार बार जो है वो रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट है, बार बार लॉग इन कर रहा है, बार बार लॉग इन कर रहा है, या फेक मैसेजेस भेज के उस पर फेक वर्कलोड भेज के बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर दे बर्डन प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है, जो क्लाउड का जो सर्विस है उसके ऊपर। तो इस तरह से, और ये सब कुछ आर्टिफिशियली जो है ऑब्वियसली परफॉर्म किया जा रहा हो, हम जो है ये डिनाइल ऑफ सर्विस की जो है वो एक सिचुएशन बन जाएगी कि वो जो जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा उस एक मिलिशियस यूजर की रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में कि वो बाकी जो यूजर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट जो है उनको बहुत ज्यादा डिले करना शुरू कर दे, या हो सकता है कि उन रिक्वेस्ट को वो ड्रॉप करना शुरू कर दे। तो इस तरह से दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो नेटवर्क इज ओवरलोडेड विद ट्रैफिक टू क्रिपल द परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजिंग द रिस्पांस टाइम। ये बाय बुक जो है ये जो पॉइंट है ये हम इसको अगर देखें तो वो इस तरह से है कि नेटवर्क के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो फॉर एग्जांपल जंक डेटा जो है वो सेंड करना शुरू कर दें टूवर्ड्स जो क्लाउड है, तो उससे भी जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा उस चोक हो सकता है उससे, अगर जो मिलिशियस यूजर है उसके ऊपर जंक जो है वो या कोई भी जो ट्रैफिक जो मैसेजेस हैं वो सेंड कर रहा है, फेक मैसेजेस हो सकते हैं, रिक्वेस्ट इतने ज्यादा तादाद में हो जाए कि नेटवर्क ही स्लो हो जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है कि मल्टीपल क्लाउड सर्विस रिक्वेस्ट आर सेंड। Each request is designed to consume excessive memory and processing resources. पहले केसेस में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तादाद में messages जो है उसकी एक bombardment होनी शुरू हो जाए towards जो cloud जो है service उसके ऊपर। ये जो third part है ये है कि ना सिर्फ multiple messages जा रहे हैं बल्कि हर message के साथ इतना ज्यादा data जो है वो send कर दिया जाए कि उसको जो जो प्रोसेस करना है सॉफ्टवेयर को उसके उसको बहुत देर लगनी शुरू हो जाए रिस्पांस देने में। तो जब एक यूजर स्टफ कर देगा बहुत ज्यादा मैसेजेस जो कि एक्सेसिव मेमोरी और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज रिक्वायर कर रहे हैं प्रोसेस करने के लिए उनको, तो जो बाकी के जो यूजर्स हैं वो इंतजार करते ही रह जाएंगे कि उनकी जो रिक्वेस्ट हैं वो कब प्रोसेस होंगी। सो इस तरह से जो बाकी यूजर्स को इन तीन मेथड से जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया है डिनाई किया जाता है सर्विस से, तो इस वजह से इसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। यानी एक जो मिलिशियस यूजर है, जैसे कि एक फिगर में हमारे सामने जो है वो ज्यादा तफसीली तौर पे हम इसको देख रहे हैं कि जो दो कंज्यूमर हैं लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ये कंज्यूमर राउंडेड शेप रेक्टेंगल में हमें नजर आ रहे हैं, एक है कंज्यूमर ए जो कि अपर लेफ्ट साइड पे है और एक लोअर जो लेफ्ट साइड पे है कंज्यूमर बी है, जो के दो डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो इस वाले से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि एक जो ऊपर वाला यूजर है वो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर ए है, यानी सर्विस ए का कंज्यूमर है, और नीचे वाला क्लाउड सर्विस बी का कंज्यूमर है। तो जो सर्विसेज हैं वो उसी तरह जैसे पिछली फिगर में हमने देखा था कि जो वर्चुअल मशीन ए और वर्चुअल मशीन बी के ऊपर रन कर रही हैं, ये डॉटेड रेक्टेंगल से शो किया गया है। जो मिलिशियस यूजर है
क्लाउड सर्विस कंज्यूमर ए जो अटैकर है वो क्या करेगा कि मल्टीपल मैसेजेस जो हैं उसने सेंड किए हैं, जैसे कि हमने देखा है जो इसमें जो थ्री टाइप्स के डिनायल ऑफ सर्विस में, वो मैसेजेस क्लाउड के जो है फायरवॉल फॉर एग्जांपल जो भी सिक्योरिटी उसका पॉइंट है उससे भी वो पास ऑन हो जाते हैं, नेटवर्क में से भी निकल आते हैं और वो वर्चुअल मशीन जो कि सर्विस को होस्ट करी उस तक पहुंच जाते हैं। जब ये जैसे कि तीन फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस जो हैं शो किए हुए, जब ये मैसेज इकट्ठे पहुंचेंगे तो ये एक एक्सेसिव जो है ओवरलोड का बायस बनेंगे। ओवरलोड जो है वो एक जो ये ग्रे फिगर है इसके थ्रू जो डैगर लाइक फिगर है ये शो किया गया है कि ये ओवरलोड कर दिया है वर्चुअल मशीन ए को मिलिशियस यूजर ए ने। अब वर्चुअल मशीन अपनी जगह पे एक सर्वर के ऊपर रन हो रही है जो कि राइट साइड पे हमें नजर आ रहा है ये व्हाइट कलर का आइकन। जब वर्चुअल मशीन का वर्कलोड जो है इंक्रीज कर जाएगा तो वो वर्कलोड कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, वो क्लाउड सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्लाउड सर्वर के ऊपर बोझ जाएगा ऑब्वियसली। तो वो जो वर्कलोड है जो ओवरलोड का आइकन है वो इसके ऊपर शो कर रहा है। जब इसके ऊपर आएगा तो ये इस क्लाउड जो सर्वर है इसके ऊपर जो दूसरी जो वर्चुअल मशीन रन हो रही है VMB जो कि क्लाउड सर्विस बी को रन कर रही है उसको भी रिसोर्सेज की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर जो फिजिकल सर्वर है वो ज्यादातर रिसोर्सेज वर्चुअल मशीन ए की तरफ दे के जा रहा है या उसको दे रहा है ज्यादा। तो मीनवाइल अगर कोई कंज्यूमर जो है कंज्यूमर बी रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है वर्चुअल मशीन बी के ऊपर जो सर्विस बी रन हो रही है उसको यूज करने के लिए, तो सर्वर जो फिजिकल सर्वर है उसके पास इतने हो सकता है रिसोर्सेज ही ना हो या जो उसका फिजिकल नेटवर्क कार्ड है वो चोक कर गया हो कि जो रिक्वेस्ट आनी थी फिजिकल सर्वर पे और उसको वर्चुअल मशीन की तरफ जाना था वो पॉसिबिलिटी ही ना हो सके। या ये भी हो सकता है कि अगर उसने एक प्रीवियस रिक्वेस्ट भेजी थी और वर्चुअल मशीन को प्रोसेस करके जो एक पैकेट है जो कि ये येलो जो पैकेट है हम जो मैसेज यूज कर रहे हैं मैसेज के लिए टुवर्ड्स कंज्यूमर जो वर्चुअल मशीन बी से कंज्यूमर की तरफ जा रहा है वो भी नेटवर्क से पास ऑन नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो फिजिकल सर्वर है जो फिजिकल नेटवर्क है वो ही अगर चोक कर दिया गया है तो बाकी की जो सर्विसेज हैं उस सर्वर के ऊपर वो भी इफेक्ट होंगी और सर्वर कंज्यूमर जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर बी है उसको डिनाइल ऑफ सर्विस का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो डिनाइल ऑफ सर्विस है उसको हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं, जो अगली जो थ्रेट है जो कि इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे वो है इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन बेस्ड अटैक। इनसफिशिएंट का मतलब है नाकाफी और ऑथराइजेशन यानी नाकाफी ऑथराइजेशन यानी जो इजाजत है यूजर को डिफरेंट जो रिसोर्सेज यूज करने की वो उसमें अगर कोई फ्लॉ है इस मैकेनिज्म में जिससे कि डिफरेंट यूजर्स को ऑथराइज किया जाता है कि भाई यूजर ए है वो ये डेटाबेस यूज कर सकता है, यूजर बी है वो ये रिसोर्स यूज कर सकता है, अगर उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब एक मिलिशियस यूजर गेट डायरेक्ट एक्सेस टू आईटी रिसोर्सेज विच आर सपोज टू बी एक्सेस बाय ट्रस्टेड यूजर ओनली, तो हम ये कहेंगे कि ये इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन है। ये कैसे होती है? हैपेंस व्हेन अ ब्रॉड एक्सेस इज प्रोवाइडेड टू द आईटी रिसोर्सेज एंड और ड्यू टू एरोनियसली। ये कोई एरर बाय चांस भी ऐसा हो सकता है कि जो यूजर हैं उनको या एक सेट ऑफ यूजर है या एक यूजर है उसको गलती से उन रिसोर्सेज का भी जो है एक्सेस मिल जाए के जो के एक्चुअली उसके लिए वो एलिजिबल नहीं था। दूसरा यह हो सकता है कि एक रेंज ऑफ रिसोर्सेज की अगर आप एक्सेस प्रोवाइड करते हैं यूजर को और आप ये सपोज करें कि यूजर सिर्फ ये चार एक्सेस जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज करेगा, फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है उस तक वो एक्सेस नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए उसको प्रोवाइडर के ख्याल में अगर ऐसा हो, ताकि प्रोवाइडर के अपने रीजन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल उसके लिए इजी होगा मैनेज करना सिक्योरिटी को। तो अगर उनमें से कोई मलिशियस यूजर है जिसको के अंदाजा हो जाए कि इस जो रेंज ऑफ रिसोर्सेज है इसमें ये रिसोर्स भी शामिल है कि जिसको एक्सेस किया जा सकता है, तो हमारे सामने जो है वो एक थ्रेट जो है वो आती है जिसको कि हम इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन बेस्ड अटैक कहेंगे, कि वो फिर वो मलिशियस यूजर है वो उस रिसोर्स को वो उसमें डिलीट कर सकता है, उसमें से डेटा उसमें ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है। मैं एक डेटाबेस की एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है इसी टॉपिक के अंदर ही इसी का जो रिलेटेड टॉपिक है वो है वीक ऑथेंटिकेशन बेस्ड रिक्वेस्ट। Happens when weak passwords or shared login accounts are used to protect the IT resources. यानी जो हमने पहले देखा है कि अगर जो रिसोर्स की जो सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजमेंट है उसमें फ्लॉ था तो एक जो malicious यूजर है उसको एक
रिसोर्स की एक्सेस मिल गई जो कि उसको नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो वीक ऑथेंटिकेशन भी इसी सिलसिले में ही है कि जब आप वीक पासवर्ड अगर रखे हुए हैं, एक्सेस पासवर्ड हैं, या शेयर्ड लॉगिन्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट यूजर्स, तो ये भी पॉसिबल है कि एक यूजर वो ऐसा लॉगिन मिल जाए कि जिसको के वो यूज करते हुए जो प्रोटेक्टेड आईटी रिसोर्सेज हैं उस तक उसकी एक्सेस हो जाए जो कि उसको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये भी क्लाउड की जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट हमारे सामने आती है। और फिर आखिर में देखें कि इम्पैक्ट क्या है इनका, अगर ये जो जैसे सिक्योरिटी ब्रीच नंबर 4 जैसे हमने डिस्कस किया है या इसके साथ जो जितने रिसोर्सेज अटैकर के जो एक्सेस में आ जाएंगे उतना ही नुकसान हो सकता है। यानी द इम्पैक्ट ऑफ अटैक ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन एंड वीक ऑथेंटिकेशन डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ आईटी रिसोर्सेज एंड द रेंज ऑफ एक्सेस टू दोज आईटी रिसोर्सेज इज कंप्रोमाइज्ड। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, अगर वीक पासवर्ड है तो यूजर तो या उसने जो शेयर्ड अकाउंट है यूज करते हुए उसने एक्सेस तो ले ली, अब किस टाइप की एक्सेस है वो एरोनियसली भी उसको मिल सकती है, और वो कोई अगर रेंज है उसके अंदर जो रिसोर्स है जिसमें कि उसकी जो ऑथराइजेशन थी उसके अंदर वो भी आ गया रिसोर्स, तो अब वो डिपेंड करता है कि उसको किस लेवल की उसके अंदर एक्सेस मिली हुई है और कितने रिसोर्सेज उसके जो है जो उसकी जो अटैक के अंदर आ गए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो वॉल्यूम बहुत बढ़ भी सकता है, और क्योंकि क्लाउड एनवायरनमेंट एक बड़ा सेटअप हो सकता है, पब्लिक क्लाउड खासतौर से अगर आप सोचें इस बारे में, तो क्लाउड में फिर जो सिक्योरिटी जो है थ्रेट वो इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स।